हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज हम एक गेम खेलेंगे जिसमें हम मेमोरी गेम, जिससे बच्चों की कंसंट्रेशन डेवलप होती है और बच्चे मेमोराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ चीजें हैं, कोई भी आप चीजें ले लो जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो। हम पहले बच्चे को एक बार बताएंगे, फिर एक बास्केट में डाल देंगे और बच्चे को बताएंगे कि बताओ कि कौन कौन सी चीजें थी। लेट्स प्ले अ गेम। नाउ वेरोनिका, व्हाट इज दिस? क्या है? डॉल्फिन। अब इसमें डाल दी। नाउ व्हाट इज दिस? जलपरी, और या डॉल भी कह सकते हो, जलपरी। टू एंड थर्ड वन इज, हमारे पास थर्ड चीज, फोर्थ चीज है पेंसिल, और शार्पनर, और बॉल, और एक किट, और एक कॉम, और एक जेम्स, और ये बस। अब हमने यहाँ पे वो चीजें छुपा लेंगे और पूछे से क्या क्या चीजें थी। बोलो क्या क्या था? किट, कॉम, किट, कॉम, ज्योमेट्री, बॉल, जेम, वेरी गुड, डॉल, डॉल, डॉल्फिन। हाँ, और क्या था? याद करो याद करो, थ्री चीजें और थी, पेंसिल, शार्पनर, डॉल्फिन। डॉल्फिन, वेरी गुड। और ये एक मेमोरी गेम थी जिसको हम बच्चे के साथ खेल सकते हैं। और एक गेम है ग्लासेस के साथ। ये इस गेम्स को आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, बड़े या छोटे ऑब्जेक्ट के साथ। अब इस गेम में क्या है, हम ग्लासेस लेंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस 6, 8, जितने मर्जी ग्लासेस ले लिए, और उसको वन बाय वन नीचे रख दीजिए ग्राउंड फ्लोर पे। और उसके बाद क्या करने हैं, पिरामिड बनाना, नीचे ऐसे रखो, इसके नीचे किसी भी ग्लास के नीचे आप एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। लो पकड़, इसको पकड़ने के बाद, इसके शार्पनर रखने के बाद, अब हम इसको शफल करेंगे और बच्चा उसमें से ढूंढेगा कि वो कहाँ है। ऐसे पकड़ के देना। अब यहाँ इसके नीचे मैंने डाला इस वाले की सारी नीचे, और इस गेम के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लासेस और एक के नीचे शार्पनर। हमने इसके नीचे शार्पनर रख दिया और फिर ग्लासेस को हम शफल करेंगे और बच्चा फाइंड आउट करेगा कि किस ग्लास के नीचे है। ओ वेरी गुड। अब और फिर से हम इसको करेंगे और फिर थोड़ा फास्ट कर देंगे। अब कौन से ग्लास के नीचे? इसके नीचे। इसके बच्चे की मेमोरी चेक हो सकती है कि बच्चा कैसे कर देते हैं। इन दोनों गेम से हम मेमोरी चेक कर सकते हैं कि बच्चे की मेमोरी को शार्प करने के लिए ऐसी और सारी बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय। सी यू नेक्स्ट।